अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड एयर फ्लाइट के बारे में। देखिए, सुपरसोनिक का मतलब ये होता है कि आवाज की स्पीड से भी ज्यादा। नॉर्मली तौर पर जो फ्लाइट्स होती हैं, जो आप लोग एरोप्लेन उठते देखते हो आसमान में, तो वो बेसिकली कौन से हैं? सबसोनिक होते हैं। अब इसकी कैटेगरीज देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड फ्लाइट जो है ये आखिर किस तरह से काम करती है और इसकी स्पीड क्या होती है। देखिए, नॉर्मली तौर पर अगर हम आवाज की स्पीड की बात करते हैं ना, तो आवाज की स्पीड जो होती है वो 1236 क्या होती है, किलोमीटर पर आवर होती है, 1236 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन जो सुपरसोनिक होती है ना, सुपरसोनिक जो होती है वो इस आवाज की स्पीड से भी डबल रहती है। तो ये जो आपको आवाज की स्पीड बताई गई है, ये सी लेवल के ऊपर बताई गई है। तो आवाज की स्पीड के डबल जो चीज ट्रेवल करती है, जो फ्लाइट, जो एरोप्लेन ट्रेवल करता है, उसको क्या नाम देंगे? सुपरसोनिक का नाम दे देंगे। उसके बाद कनकॉर्ड फ्लाइट जो है, कनकॉर्ड असल में एक एग्रीमेंट था जो कि किया गया था बिटवीन द ब्रिटेन एंड द फ्रांस। ये एग्रीमेंट था कनकॉर्ड फ्लाइट को बनाने के लिए। एक लग्जरियस फ्लाइट थी, ब्रिटेन प्लस फ्रांस के दरमियान में एक एग्रीमेंट किया गया था कोल्ड वार के इरा में। देखिए, जब कोल्ड वार चल रहा था ना, तो दुनिया की अगर हम बात करते हैं उन कंट्रीज के जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, जो रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, नो डाउट उनके अंदर एक तो हमें यूएसए देखने को मिलेगा, उसके बाद यूएसएसआर देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको फ्रांस देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो यूएसएसआर था और यूएस था, वो तो बेसिकली कोल्ड वार के इरा में एक दूसरे के साथ, आप कह लें कि अपोलो जो मिशन था, अपोलो 11 जो मिशन जो कामयाब किया था बेसिकली यूएसए ने, बेसिकली कि स्पेस में पहले कौन जाएगा और चांद पे सबसे पहले कौन जाएगा, तो उनका जो मेन काम था ना, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन जो ब्रिटेन और फ्रांस था, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट का नाम था कनकॉर्ड एग्रीमेंट। कनकॉर्ड एग्रीमेंट के अंदर ये क्या करना चाह रहे थे, ये बेसिकली एक ऐसा प्लेन बनाना चाह रहे थे जो कि लोगों को सहूलियात प्रोवाइड करे, लग्जरियस हो, और वो ट्रैवल जो कि 12 घंटे के अंदर होता है, उसको 12 घंटे से कम करके 6 घंटे 7 घंटे के अंदर उस सफर को, ट्रैवल को, डिस्टेंस को कवर किया जा सके। बेसिकली ये एग्रीमेंट था कनकॉर्ड। तो बेसिकली कनकॉर्ड फ्लाइट जो थी वो बना भी ली गई, लेकिन एक इवेंट, एक एक्सीडेंट ऐसा होता है जो इस कनकॉर्ड फ्लाइट की हिस्ट्री को मुकम्मल तौर पर जो है वो बदल के रख देता है। अब वो जो इवेंट है, वो इवेंट कैसे होता है, देखिए फ्रांस की अगर मैं बात करूं, तो फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा पेरिस, जहां पर एफिल टावर है, वहां से आखिरी कनकॉर्ड फ्लाइट उठती है 2000 के अंदर। तो 2000 के अंदर वो जो आखिरी फ्लाइट पेरिस से उठती है, उड़ान भरती है, वो क्या होता है कि वो क्रैश कर जाती है। और किसी को भी यकीन नहीं आता कि क्या ये कनकॉर्ड फ्लाइट जो है, क्या ये भी क्रैश कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात कर लेते हैं, तो दुनिया के सबसे बड़ा एक शिप बनाया गया था टाइटैनिक शिप, जिसके बारे में उसके उसके कैप्टन ने कहा था, बावले ने कहा था कि ये कभी डूब ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा होगा ही नहीं कभी कि ये हमारा जो है ये डूब जाए, टाइटैनिक जो है वो डूब जाए। इसी तरह से जो कनकॉर्ड फ्लाइट थी, इसके बारे में यही कहा जाता था, सब लोगों के माइंड में ये विजन था कि कभी भी ये क्रैश हो ही नहीं सकता। लेकिन 2000 के अंदर, 2000 में जब ये प्लेन जो है वो क्रैश किया गया, उसके बाद कनकॉर्ड फ्लाइट जो है इसको मुकम्मल तौर के ऊपर क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अच्छा, बैन तो कर दिया गया, लेकिन देखें एक चीज याद रखिएगा, इसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे इस फ्लाइट को लेकर। फ्लाइट को लेकर प्रॉब्लम क्या था, नंबर वन कि ये सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते थे। अगर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तानी रुपीज के मुताबिक अगर मैं इसकी टिकट की बात करूं, ये तकरीबन 15 से 20 लाख की टिकट बनती है, इसकी 15 से 20 लाख की टिकट बनती है एशिया से यूरोप जाने की, यानी कि कनकॉर्ड फ्लाइट से अगर आप ट्रैवल करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो ये इसका दूसरा जो क्राइसिस है, प्रॉब्लम था, वो ये था कि ये सुपर बूम प्रोड्यूस करता था। अब सुपर बूम क्या होता है, बेसिकली एक ब्लास्टिक आवाज होती है। नॉर्मली तौर पर जब एक फ्लाइट, ना मान लीजिए ये है हमारे पास एक एरोप्लेन, अब ये एरोप्लेन यहां से जब फ्लाइट बनेगा ना, तो जब ये मूव कर रहा होगा तो नो डाउट ये आवाज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो जो आवाज है वो ऐसे कुछ प्रोड्यूस होगा, ये देखे बड़ी एक सीक्वेंस के साथ। लेकिन अगर बात करते हैं ना कनकॉर्ड के बारे में, तो कनकॉर्ड जो है ना वो बड़ा अजीब किस्म का इसका पैटर्न रहता है। अब क्या पैटर्न रहता है, इसका पैटर्न ये होता है कि कनकॉर्ड प्लेन जो है ये इतनी स्पीड से ट्रैवल करेगा कि इसमें एक जो लेयर होती है, एक लेयर जो आवाज की होती है ना, वो दूसरी लेयर के साथ क्या कर रही होती है, मर्ज कर रही होती है। देखें, ये देखें, यहां पर एक लेयर अभी गई नहीं है और दूसरी लेयर जो है वो मर्ज कर जाएगी, यानी कि आवाज को समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। असल में अगर हम आपको कहें कि बेसिकली जब एक ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट ब्लास्ट में जिस जगह पे ब्लास्ट होता है, तो वहां से लोग जो है वो उड़ के दूसरी तरफ जाके गिरते हैं। ग्रेनेड आपने फिल्म्स के अंदर देखा होगा, अगर ग्रेनेड फेंकता तो वो उठ के दूसरी साइड पे जाके गिरते हैं। अब ये होता कैसे, ये भी ऐसे ही होता है। देखिए, अब वो ब्लास्ट में होता क्या, जब वो ब्लास्ट होता है ना, ब्लास्ट के दौरान क्या होता है कि बहुत ज्यादा एयर प्रेशर हो जाता है, और उसकी जो स्पीड होती है ना, वो स्पीड ऑफ साउंड से कहीं ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इतना प्रेशर आपके ऊपर लगता है कि आप उस जगह से उड़ के पीछे जाकर कहीं पर जाकर गिरते हैं। सेम इसी तरह से अगर प्लेन की बात करते हैं ना, इस प्लेन के अंदर देखिए नॉर्मली तौर पर एक वेव आई फिर दूसरी आई फिर तीसरी आई, लेकिन यहाँ पे देखिए एक आई दूसरी आई तीसरी आई, और ये एकदम से एक के ऊपर दूसरी आई आ रही है,
और ये प्लेन जब ट्रैवल करेगा तो पीछे जब ओवरलैप्स कर जाएंगे यहाँ पर साउंड वेव, तो इनके ओवरलैप करने से आपको एक ऐसी आवाज आएगी जैसे कि एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट जो है उसकी उसकी आपको आवाज सुनने को मिलेगी, जिसको आप नाम देंगे सोनिक बूम का नाम देंगे। सो ये कॉनकॉर्ड प्लेन जो है इसको पहला चैलेंज किया था कि ये बहुत तेज आवाज प्रोड्यूस करते थे जब ये आप कह लें कि जब ये सिविलियंस या फिर किसी कंट्री के ऊपर से गुजरता था, तो उस वक्त बेसिकली जब एयर जो आपके पास एयरपोर्ट्स हैं एयरपोर्ट्स की करीब जो रिहाइश गाह होती थी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती था क्योंकि इसकी आवाज इतनी ज्यादा रहती थी और लोग डर जाते थे बेसिकली। नंबर सेकंड यहाँ पर फ्यूल, फ्यूल जो था वो बहुत ज्यादा बेसिकली इस्तेमाल होता था। नंबर थर्ड ये कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा करते थे, और आपको पता है कि कार्बन एमिशन जो है वो कितना खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए, और किस तरह से जो कार्बन एमिशन है और ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट उसने पूरी दुनिया को जोड़ कर रख दिया। तो इसलिए बेसिकली ये 2000 के अंदर बेसिकली इसको फर्स्ट टाइम तो जो बैन किया गया था वो बेसिकली इसको क्यों बैन किया गया, क्योंकि क्रैश हो गया था उसके बाद, वो तो हम लोग जो इतनी महंगी टिकट भरते थे वो जाएंगे अब वो कभी भी नहीं जाएंगे। नंबर सेकंड अब आज के दौर के अंदर ये कॉनकॉर्ड फ्लाइट जो है इसको दोबारा क्यों रीएस्टैब्लिश नहीं किया गया, उसके मैंने आपको कारण बता दिया कि फ्यूल, उसके बाद कार्बन एमिशन, उसके बाद इसकी जो आवाज है, बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं इसको कॉनकॉर्ड फ्लाइट को। अब देखिए लफ्ज यहाँ पे लिखा गया है सुपरसोनिक। अच्छा आजकल के अगर हम एरोप्लेन्स की बात करते हैं जिसके अंदर बेसिकली सिविलियंस ट्रैवल करते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर PIA है, उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्लू हैं, हमारे ब्लू जो एयरवेज है उसके ऊपर खैर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। एयरबस जो जितने भी प्लेन है पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ दो कंपनीज बना रही है, एक तो एयरबस बना रही है दूसरी बोइंग बना रही है, उसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बनेगा। देखिए सबसोनिक प्लेन है आजकल जितने भी प्लेन है पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं वो कौन सा सबसोनिक प्लेन है। सबसोनिक प्लेन ऐसा प्लेन जो स्पीड ऑफ लाइट से कम ट्रैवल करते हैं, बेसिकली इनकी जो स्पीड होती है 940 something किलोमीटर पर आवर के करीब करीब रहती है, तो स्पीड ऑफ साउंड से क्या रहती है करीब काफी कम ही रहती है। उसके बाद ट्रांसोनिक वो होते हैं जिसकी जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ साउंड पे क्या रहती है इक्वल रहती है, उसको क्या नाम देंगे उसको आप नाम देंगे ट्रांसोनिक। सुपरसोनिक जो होते हैं इनकी जो स्पीड होती है ना वो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है उसके क्या होती है डबल, ये क्या रहने वाली है इक्वल और ये क्या रहने वाली है उससे डबल रहने वाली है। और हाइपरसोनिक जो है उसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ साउंड के 5x रहने वाली है। अब यहां से आप देखें कि जो हाइपरसोनिक है हाइपरसोनिक कितना खतरनाक होगा, बेसिकली जो अमेरिका है अमेरिका की जो मिलिट्री है उसने हाइपरसोनिक मिसाइल भी है उनके पास, और हाइपरसोनिक उन्होंने एक प्लेन जो है उसका भी निर्माण कर चुके हैं। बेसिकली उसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ साउंड से क्या होगी बहुत तेज रहने वाली है, और बेसिकली वो इसको एज अ वेपन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग द वॉर। सो दैट इज अ स्मॉल हिस्ट्री एंड द स्मॉल स्टोरी अबाउट द